नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं रत्नेश पांडे। बिहार में अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए बिहार सरकार के तरफ से कोचिंग संस्थान जो है वो चलाई गई है, और अब देखिए इन कोचिंग संस्थानों से निकलकर अब कई छात्रों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। बात करें आपको कि बीपीएससी में परीक्षा देकर कई छात्रों को खाकी वर्दी पहनने का मौका मिल चुका है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए नौकरी में प्रतिनिधित्व बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की ओर से स्टूडेंट को कोचिंग दी जा रही है। वर्ष 2015 से 2022 तक इन 8 वर्षों में सरकार की तरफ से कोचिंग प्राप्त करने वाले 427 छात्र छात्राओं ने बीपीएससी की प्रारंभिक व इंटरव्यू परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। वहीं उत्पाद कक्षपाल, वाहन चालक तथा केंद्रीय चयन पर्षद के चालक सिपाही भर्ती व दक्षता परीक्षा में कोचिंग की सहायता से 9 से 11 छात्र छात्राओं को सफलता मिली है, जबकि मोटरयान दक्षता परीक्षण में 200 छात्र छात्राओं में किसी को सफलता नहीं मिली। वहीं बिहार न्यायिक सेवा के साक्षात्कार में 12 अभ्यर्थी सफल हुए। आपको बता दें कि रेलवे बैंकिंग व एसएससी परीक्षा में सफलता के लिए कुल 1040 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को कोचिंग दी गई थी, इनमें किसी को भी सफलता नहीं मिली। वर्ष 2021-22 में सीईटी व टीईटी में कोचिंग पाने वाले 250 छात्राएं असफल हो गई। सिपाही भर्ती परीक्षा के शारीरिक दक्षता में भी सभी 400 अभ्यर्थी असफल हो गए। वर्ष 2019-20 में सीईटी और बीईटी के 141 छात्राएं सफल हुए थे। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री एससी एसटी सिविल प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2018 से 2022 तक एससी एसटी वर्ग के 5 छात्र छात्राएँ यूपीएससी में सफल हुए हैं। इनमें से एक का आईएएस और 4 अन्य अखिल भारतीय सेवा में चयन हुआ। वहीं 191 अभ्यर्थियों ने बीपीएससी में सफलता हासिल की। इनमें 5 का बिहार प्रशासनिक सेवा, 5 का बिहार पुलिस सेवा और 15 का बिहार वित्त सेवा और 166 का चयन अन्य सेवाओं में हुआ है। तो देखिए, बिहार के सरकारी कोचिंग से 427 अल्पसंख्यक अभ्यर्थी अधिकारी बन गए हैं। 911 लोगों ने खाकी वर्दी पहन ली है। मुख्यमंत्री एससी एसटी सिविल प्रोत्साहन योजना के तहत 2018 से ये कार्यक्रम, ये कोचिंग जो है वो चलाया जा रहा था, और अब देखिए धीरे धीरे कहीं ना कहीं सफलता जो है वो मिल रही है। हालांकि कई छात्र छात्राएं जो थे 2021 और 22 के कई कंपटीशन एग्ज़ाम में वो सफल नहीं हो पाए थे, असफल हो गए थे, लेकिन 2022 के कोचिंग से अब तक कई 427 अल्पसंख्यक अधिकारी बन चुके हैं। 911 लोगों ने खाकी वर्दी पहन ली है। तो सरकारी कोचिंग में अब छात्र छात्राएं अपना परचम लहराते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरें लगातार देंगे। धन्यवाद।